देखो, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, यानी कि आपकी उम्र 60 साल के ऊपर है, और यहां पे अगर आपने एक दो साल पहले पोस्ट ऑफिस का एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और इसको शॉर्ट में आप SCSS यहां पे कह सकते हैं। यहां पे मैं आपको सिंपली फुल फॉर्म भी दिखा देता हूं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम के अंदर पैसा आज से एक दो साल पहले इन्वेस्ट किया है, तो यहां पे सिंपली आपको इस स्कीम को क्लोज कर देना चाहिए। क्यों क्लोज कर देना चाहिए, ये मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे सिंपली एग्जांपल ये है कि यार, रेडियम चाचा नाम के एक अंकल है जो एक सीनियर सिटीजन है, और यहां पे इन्होंने आज से कुछ समय पहले फरवरी 2022 को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टोटल 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में और 15 लाख रुपए इनके जो स्पाउस है वो भी सीनियर सिटीजन है। तो दोनों का मिला के इन्होंने दो अलग अलग अकाउंट ओपन किया था, अपने नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे, और यहां पे इन्होंने 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था फरवरी 2022 के टाइम पे। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.4% के अराउंड में चल रहा था। तो इसके हिसाब से इनको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा वो मिल रहा था इनको 55,500। कैसे निकाला ये मैंने, बेसिकली आप 30 लाख का 7.4% करेंगे तो यहां पे आपको एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और उसको डिवाइड बाय अगर आप 4 कर देंगे तो यहां पे आपको हर 3 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली, वो यहां पे सिंपली कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेकिन यहां पे अप्रैल 2023 की बात कर लूं, यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से यहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट था 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 के लिए, वो इंटरेस्ट रेट चेंज हो चुका है 8.2%। तो यहां पे जो रेडियम चाचा है, अगर रेडियम चाचा अपने पुराने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बंद करके अगर नया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पे इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां पे इनको हर 3 महीने में 61,500 रुपीज का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो पहले इंटरेस्ट रेट सिंपली 7.4% का था, और जो अभी करेंट इंटरेस्ट रेट है वो अभी 8.2% का चलता है। तो यहां पे अगर आप 30 लाख रुपए का 8.2% डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो यहां पे आपको हर 3 महीने में 61,500 रुपीज का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को 5 साल के पहले क्लोज करेंगे तो यहां पे आपको कुछ पेनल्टीज भी पे करने पड़ेंगे। तो यहां पे क्या पेनल्टी पे करना पड़ेगा, किस तरीके से बेनिफिट होगा, ये भी मैं आपको सिंपली कैलकुलेट करके बता दूंगा। लेकिन सबसे पहला हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को 5 साल के पहले क्लोज करेंगे तो यहां पे प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल से कितना पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां पे सिंपली बोला गया है कि अगर आप अपने इस अकाउंट को क्लोज करते हैं ओपनिंग होने के 1 साल के अंदर ही, तो उस केसेस में जो भी इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलता था वो इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट ले चुके हैं तो वह आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा यहां पे बोला है कि अगर आप अपने इस अकाउंट को क्लोज करते हैं ओपनिंग होने के आफ्टर 1 ईयर, यानी कि आपने अभी अकाउंट ओपन किया, आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट का 1 साल पूरा हो चुका है, तो या तो अगर आप अपने इस अकाउंट को 1 साल पूरा होने के बाद में क्लोज करते हैं और 2 साल से पहले क्लोज करते हैं, तो उस केसेस में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें से 1.5% काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा यहां पे तीसरा कंडीशन ये बोला गया है कि अगर आप अपने इस अकाउंट को क्लोज करते हैं ओपन होने के 2 साल के बाद में, तो उस केसेस में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1% काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो हमारे केसेस में क्या सिचुएशन है, तो यहां पे फरवरी 2022 में रेडियम चाचा ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को ओपन किया था, और यहां पे अभी रिसेंटली मई का महीना चल रहा है, तो यानी कि फरवरी 2022 से फरवरी 2023 1 साल हो गया, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में, यानी कि आफ्टर 1 ईयर जो रेडियम चाचा है वो अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो यहां पे सिंपली रूल में ये कहा गया था कि अगर आप अपने अकाउंट को आफ्टर 1 ईयर और बिफोर 2 ईयर क्लोज करना चाहते हैं तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1.5% काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो हमारे सिचुएशन में रेडियम चाचा ने 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और यहां पे ये अपने अकाउंट को आफ्टर 1 ईयर और बिफोर 2 ईयर क्लोज करें तो 30 लाख का 1.5% कितना होगा, तो वो हो जाएगा सिंपली 45,000 रुपीज। तो यहां पे रेडियम चाचा का जो भी 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है अगर वो अभी अपने अकाउंट को आफ्टर 1 ईयर क्लोज करेंगे तो 45,000 रुपीज का पेनल्टी काट के बाकी का पैसा रेडियम चाचा को दे दिया जाएगा। तो यहां पे अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या अकाउंट क्लोज करके वापस से नया अकाउंट ओपन करवाना क्या रेडियम चाचा के लिए बेनिफिशियल है, तो यहां पे सिंपली हम ये मान के चलते
जानते हैं कि रेडियम चाचा ने अपने पुराने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे उनको 45,000 रुपीज का पेनल्टी वगैरह भी पे करना पड़ा और यहाँ पे रिसेंटली अपने पुराने अकाउंट को क्लोज करके वापस इन्होंने नया अकाउंट ओपन किया। अब जब ये नया अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनको ईयरली क्या इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे इसको सिंपली हर साल 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा आने वाले 5 साल तक, जिसके हिसाब से इनका जो हर 3 महीने का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 61,500। पहले इनको कितना इंटरेस्ट मिलता था, पहले इनको सिर्फ 55,500 रुपीज का हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता था, अभी कितना मिल रहा है 61,500, यानी कि इनको हर 3 महीने में 6,000 रुपए का अभी रिसेंटली ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अगर ये अपने पुराने अकाउंट को क्लोज करके नया अकाउंट ओपन करते हैं उस केसेस में, यानी कि हर 3 महीने में 6,000 का बेनिफिट। तो अगर मैं इनको इनटू मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो 1 साल में इनको टोटल 24,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यहां पे इनको इस अकाउंट को टोटल 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा तो 5 साल में इनको टोटल 1,20,000 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। यहां पे इनका सिर्फ 45,000 रुपए का पेनल्टी जा रहा है, जिसके अगेंस्ट में इनको टोटल 1,20,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। यहां पे 5 साल पूरा होने के बाद में या तो ये चाहे तो अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं या तो ये चाहे तो अपने अकाउंट को 3 साल के लिए और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहां पे 8 साल पूरा होने के बाद में वापस एक नया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ये ओपन कर सकते हैं। तो यहां पे आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपका कितने का इन्वेस्टमेंट है, आप कितने समय तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आप अभी क्लोज करेंगे तो कितना पेनल्टी लगेगा और यहां पे एट द सेम टाइम आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसके हिसाब से अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अगर इंटरेस्ट का पैसा आपको ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू पेनल्टी, तो यहां पे आप अपने पुराने अकाउंट को क्लोज करके नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहां पे लास्ट में फाइनली एक और क्वेश्चन आता है कि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ही क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है तो ये काफी सेफ स्कीम है। इसके अलावा यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको ज्यादा मिलता है 8.2% का। तो यहां पे पोस्ट ऑफिस का जो भी स्कीम है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर ही मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपीज से लेकर डिडक्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे पर पर्सन मैक्सिमम अपने अकाउंट में 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में 2 सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए कि जो हस्बैंड है जो वाइफ है दोनों सीनियर सिटीजन है, तो यहां पे 2 अलग अलग अकाउंट ओपन करके आप मैक्सिमम 60 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहले इसका जो रूल था वो था कि 1% अपने अकाउंट में मैक्सिमम 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 2 लोग मिला के 30 लाख। अभी यहां पे 1% 30 लाख, यानी कि 2 लोग मिला के यहां पे 60 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो काम की लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।